हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम आए बगदादी रेस्टोरेंट खाना खाने, जो ये मुंबई कोलाबा में पड़ता है। एकदम इजीली आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा, ताजमहल होटल के जस्ट पीछे। ताजमहल होटल जो गेट ऑफ इंडिया के सामने, ये देखिए ताजमहल होटल, और इसके बराबर बैक साइड में बगदादी रेस्टोरेंट, कोई भी आपको बता देगा। ये देखिए बगदादी रेस्टोरेंट आ गया, ये ऐसा इसका बोर्ड है। एकदम बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, ऑलमोस्ट 100 साल हो गए इस रेस्टोरेंट को। बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे खाना बहुत ही लजीज रहता है और बहुत ही टेस्टी खाना रहता है, और रीज़नेबल भी बहुत है। तुम लोग जाते देखते क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बता दो कौन से डिशेस मैंने मंगाई है। देखिए इनका ऐसा मेन्यू है, ये सब उनके मेन्यू और आगे उसकी प्राइस भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल है और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या मंगाएंगे। आपको बता दो कौन से डिशेस हम मंगाने वाले और खाने वाले। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद यहाँ पर आया हो खाना खाने। हमने ऑर्डर दे दिया है यहाँ पर। देखिए ये चिकन पहाड़ी है जो मैंने मंगाया है, पूरा वाइट टाइप का ग्रेवी है और ऐसे पीसेस है बड़े बड़े। और ये तंदूरी रोटी बहुत बड़ी रहती है यहाँ की। मैंने जितने भी रेस्टोरेंट में खाना खाया हूँ, सबसे बड़ी तंदूरी रोटी यहाँ पे मैंने देखी। एक तंदूरी रोटी में आपका पेट फुल हो जाएगा। ये हमने मंगाया है चिकन फ्राई पीसेस होते हैं बोनलेस और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अच्छा टेस्ट है इसका, एकदम यम्मी रहते हैं और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट रहते खाने में। इजीली आप उसको तोड़ के खा सकते हो, एकदम ऐसे हार्ड नहीं होते, खाने में बहुत ही टेस्टी होते। तो ये इनका जो चटनी है बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें आप उसको डिप करके खा सकते हो। तो ये भी यहाँ पे आओगे तो ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है। और ये हमने मंगाया है बटर चिकन यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है और प्राइस वाइज बहुत ही रीज़नेबल है। बटर चिकन भी बहुत टेस्टी होता है। तो ये दो मैंने हमने ग्रेवी मंगाया आइटम। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी खाना स्टार्ट करते हैं, देखता हूँ खा के इसका टेस्ट कैसा है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया बटर चिकन, पहले भी यहाँ पे खाया हुआ है लेकिन ये चिकन पहाड़ी वो फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया। इधर थोड़ा मैनेजमेंट शायद से चेंज हुआ है, क्योंकि जो ओनियन वो लोग प्याज वो देते थे पहले कट करके प्रॉपर देते, अभी छोटे छोटे से प्याज अलग देते, तो पता नहीं मैनेजमेंट चेंज हुआ है शायद से। देखिए मैंने यहाँ पे रोटी में लिया और खा रहा हूँ, सच्ची में टेस्टी है। और ये हमने चिकन बिरयानी मंगाया है। चिकन बिरयानी मेरा यहाँ का सबसे फेवरेट है, मैं लगभग बहुत साल से 10-15 साल से यहाँ पे बिरयानी खाने आ रहा हूँ और वही टेस्ट। इसमें एक ही मसाला इनका बहुत ज़बरदस्त रहता है और जो चिकन का पीस रहता है ना बहुत बड़ा रहता है। नॉर्मली सब चिकन बिरयानी में कहते हैं छोटे छोटे पीसेस देते हैं, इनका एक ही बहुत बड़ा पीस रहता है और एकदम सॉफ्ट रहता है चिकन का पीस। चिकन एकदम पका हुआ रहता है, बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए पीसेस मैंने इजीली हाथ से तोड़े और उनका ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त रहता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आता है। मैनेजमेंट चेंज होने शायद से थोड़ा टेस्ट में चेंज आया, लेकिन ऑलमोस्ट टेस्ट वैसा ही है। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त रहती है यहाँ की, बहुत से लोग बिरयानी यहाँ पर खाने आते हैं। यहाँ पर आप कभी भी और रश मिलेगा आपको, रात के 12 बजे तक चालू रहता है, एक दोपहर के 11 बजे से लेके मॉर्निंग के 11 बजे से लेके रात के 12 बजे तक चालू होता है, 12:30 तक। और जब भी आओगे आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी। जगह थोड़ी छोटी है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत साल से वैसे के वैसे ही उन्होंने रिनोवेट करते हैं लोग, लेकिन जगह बढ़ाई नहीं उन्होंने, वैसे के वैसे रखी है। लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा और बहुत सस्ता है। यहाँ पर आप दूसरे रेस्टोरेंट के कंपेयर करोगे ना तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है और प्राइस वाइज तो बहुत ही सस्ता है बाकी के रेस्टोरेंट के कंपेरिजन में। तो फ्रेंड्स अगर आप बॉम्बे आते हो ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना, गेट ऑफ इंडिया आते हो दोपहर का खाना या रात का खाना यहाँ पे ट्राई करना, सच्ची में बहुत अच्छा है। ज़रूर यहाँ पे आना और खाना ट्राई करना। अगर आपको खाना अच्छा लगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑलमोस्ट खाने के ट्रैवलिंग सब की वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने को कुछ पैसे लगते नहीं, अगर आप सब्सक्राइब करो तो उतना ही मोटिवेट हो जाऊँगा। ये मैंने कस्टर्ड मंगाया, देखिए कस्टर्ड यहाँ का बहुत टेस्टी रहता है और बहुत ही सॉफ्ट रहता है, पहले मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत डिलीशियस और यमी रहता है। तो ज़रूर ये भी यहाँ पे ट्राई करना। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना फ्रेंड्स। बाय बाय।